नमस्कार, मैं राजीव सैयद हिंदू सोसाइटी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हम आज शिक्षा में सुनी देवी नवाचार कार्यक्रम ZIIDI द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 4 के गणित विषय की पुस्तक गिनतारा के पाठ 11 भिन्न पाठ में एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि प्रश्न बैंक का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप भी इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीक को अपनी कक्षा और विद्यालय में अवश्य क्रियान्वित करेंगे। इस पाठ को ZIIDI के कई नवाचार के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज इसे प्रश्न बैंक से समझेंगे। पाठ का सार, प्रस्तुत पाठ भिन्न विभिन्न प्रकार के भिन्नों तथा उनके अनुप्रयोग पर आधारित पाठ है। इसमें गणित के साथ भाषा के लिए हिंदी विषय को भी एकीकृत किया गया है। नवाचार की नवीनता, इस नवाचार की नवीनता उपयोगिता यह है कि कक्षा के छात्र अपने मौलिक ज्ञान से अपने सहपाठियों के साथ मिलकर स्वयं ही अलग पाठ से अलग अलग तरह के प्रश्नों का निर्माण करते हैं, जिससे पाठ का पुनः अध्ययन आसान हो जाता है। आइए जानते हैं इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया। इसके अंतर्गत शिक्षक के द्वारा छात्रों को पढ़ाए जा रहे विषय वस्तु जैसे भिन्न के प्रकार तथा भिन्नों की तुलना की जानकारी की सहायता से प्रश्न बनाने की समझ विकसित करते हैं और पाठ का पुनः अध्ययन करते हैं। इसके क्रियान्वयन में 20 मिनट का समय लगता है और इसके लिए किसी प्रकार के पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रश्न बैंक बनाने के निर्देश, इसके लिए शिक्षक विद्यार्थियों को 7 समूहों में बांट देते हैं। प्रत्येक समूह से एक प्रतिनिधि चुना जाता है जो समूह का नेतृत्व करता है। प्रतिनिधि निर्धारित विषय वस्तु से विभिन्न प्रश्नों को संकलित कर प्रश्न बैंक तैयार करते हैं। इसमें वैकल्पिक तथा व्याख्यात्मक उत्तर वाले प्रश्न होते हैं। हर समूह प्रश्न बैंक की उत्तर कुंजी भी बनाते हैं। समूह आपस में प्रश्न बैंक की अदला बदली कर जानकारी का आदान प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार सभी समूहों के प्रश्न बैंकों को संकलित कर कक्षा का एक प्रश्न बैंक तैयार कर लिया जाता है और अंत में कक्षा में प्रश्नों के उत्तर भी बताए जाते हैं, जिसको विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेते हैं। आइए इन प्रश्नों के उदाहरण देखते हैं। प्रश्न 1, ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है उसे क्या कहते हैं? समभिन्न। ऐसी भिन्न जिसका अंश 1 होता है क्या कहलाता है? इकाई भिन्न। जब पूर्ण संख्या के साथ समभिन्न को मिलाकर लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न। भिन्न 3/5 के समतुल्य ऐसी भिन्न लिखें जिसका हर 15 हो, 9/15। 5/6 और 11/12 में कौन सी भिन्न बड़ी है? 11/12। 4/2/3 को विषम भिन्न में बदले, 14/3। इसी तरह शिक्षक छात्रों को पढ़ाए गए पाठ से विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का निर्माण कराना सीखते हैं, जिसमें भिन्न एवं भिन्न के प्रकार, भिन्नों की तुलना के कॉन्सेप्ट पर समझ विकसित कर पाठ का पुनः अध्ययन करते हैं। आइए इस नवाचार के क्रियान्वयन से होने वाले लाभ और प्रतिफल के बारे में जानते हैं। प्रश्न बैंक बनाते समय छात्र जो संवाद करते हैं, पाठ से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारियों को चुनते हैं और उसके कॉन्सेप्ट से प्रश्न पूछते हैं, उसे पाठ का आसानी से दोहराव और स्मरण होता है। छात्र संख्याओं की संक्रिया के दैनिक जीवन में उपयोग करना, भाग तथा गुणा के अंतर संबंधों के माध्यम से भाग देना सीखते हैं। छात्र अपने परिवेश में चित्रों अथवा समूहों के एवं संख्याओं की मदद से भिन्नों की पहचान करना, उन्हें प्रदर्शित करना और उन पर कार्य करना सीखते हैं तथा भिन्नों का वर्गीकरण व भिन्नों की तुलना करना भी सीखते हैं। छात्र आसपास और अपने परिवेश की विभिन्न जानकारियों को संकलित करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, निजी अनुभवों को साझा करते हैं और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। विषय वस्तु से जुड़े नए शब्दों को संकलित करते हैं और वाक्य बनाना सीखते हैं। इससे भाषा सीखने के स्तर में भी वृद्धि होती है। इस नवाचार से विद्यार्थियों में शिष्टाचार और विनम्रता जैसे मूल्यों और प्रभावी संप्रेषण तथा समस्या समाधान के कौशल का विकास होता है।
यह नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी होने से और बाल के दृष्टिकोण होने से एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों की भी पूर्ति करता है। इस नवाचार में विद्यार्थी शिक्षक अनुपात का भी पूरा ध्यान रखा गया है और इस नवाचार के माध्यम से शिक्षक भिन्न पाठ को उत्तर प्रदेश पाठ्यक्रम के अनुसार नवम्बर माह में पढ़ाते हैं और बच्चे रोचक व अभिनव नवाचार के साथ गतिविधि का आनंद लेते हुए पढ़ाई करते हैं। इस नवाचार का वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस तरह के कई दिलचस्प नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि ZIIIIT के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो ZIIIIT के फेसबुक पेज को लाइक करें और यदि आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे लिंक पर क्लिक करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत